भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की बनी हैवानियत का शिकार। मामला कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर एक गांव में एक बार फिर से एक नाबालिग लड़की बनी हैवानियत का शिकार। कानपुर देहात में लगातार हो रही छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया जा पा रहा है। वहीं पर पीड़ित लड़की ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले नरेंद्र प्रजापति ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। तो वहीं पर जब पीड़िता का भाई ट्रक चलाकर वापस घर आया तो घर वालों ने अपनी आपबीती बताई। तो वही पीड़िता का भाई रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी युवक को उसके घर से गिरफ्तार करते हुए जाँच की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। कहाँ रहने वाले हो? अमरौदा पाते। अच्छा, आज तुम अमरौदा चौकी में एक प्रार्थना पत्र लेके आए हो, तो पूरा मामला क्या है? आज आपके द्वारा जो प्रार्थना पत्र लाया गया है, तो पूरा मामला क्या है? कहाँ रहने वाले हो आप? अमरौदा कानपुर देहात। अच्छा, तो आपकी बहन के साथ में क्या मामला हुआ है? हम तो घर पे नहीं थे, गाड़ी से आए थे अभी। तुम क्या करते हो, गाड़ी चलाते हो? गाड़ी चलाते हो। क्या, कौन सी गाड़ी चलाते हो? ट्रक चलाते हो। तो जब आप गाड़ी चलाकर जब घर आए तो क्या पता चला आपको? यही पता चला कि हमारी बहन ऊपर सो रही थी छत पे, अभी चार दिन पहले, तो वो आगे ऊपर छत पे चढ़कानी दिए, बलात्कार किया। बलात्कार किया? तो किसने बलात्कार किया है? नरेंद्र। नरेंद्र, पूरा नाम क्या है? नरेंद्र प्रजापत। पिताजी का नाम? श्याम बिहारी। अच्छा, बहन की उम्र कितनी है तुम्हारी? 16 साल। 16 साल। तो कई दिन पहले घटना को अंजाम दिया गया है? 4 दिन पहले। अच्छा, तो आज आप शिकायती प्रार्थना पत्र दे रहे हैं? आप देने आए थे। आपके साथ किस लड़के ने गलत काम किया है? क्या नाम उसका? नरेंद्र। कहाँ का रहने वाला है? अमरौदा। अमरौदा का। क्या किया उसने तुम्हारे साथ में? छत पे आया तो मेरा मुंह दबा लिया और कह रहा था ऐसा करना, ऐसा करना। छत पे आकर तुम्हारा मुंह दबा लिया? तो उसने क्या किया तुम्हारे साथ में? काम किया, गंदा वाला काम किया। कई दिन पहले किया था? दो तीन दिन पहले किया था। क्या नाम उसका? नरेंद्र। हाँ। पिताजी का नाम? श्याम बिहारी। अच्छा, मतलब 3-4 दिन पहले उसने गलत काम किया था। और वो क्या बदतमीजी करता है? 4-5 दिन पहले के पहले वो क्या करता था वो तुम्हारे साथ में? इशारे करता था, दूर से कहता था वहाँ चलो ऐसे कहता था। अच्छा,